नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। अपने बेबाक अंदाज के कारण राजस्थान की सियासत में धाक जमाने वाली कांग्रेस की महिला नेत्री और ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से दिव्या मदेरणा चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने उन्हें ओसिया से ही अपना उम्मीदवार बनाया। दिव्या को अपने विधानसभा क्षेत्र में खूब प्यार और दुलार भी मिल रहा है। महिलाओं से लेकर बच्चे और बूढ़े भी दिव्या मदेरणा को जीतते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी दिव्या मंच से दहाड़ती हैं तो लोग उन्हें संयम के साथ सुनते हैं। ओसिया की जनता खुद को दिव्या मदेरणा से जुड़ा हुआ समझती है। दिव्या मदेरणा जोरों शोरों से चुनावी प्रचार कर रही है। मदेरणा युद्ध स्तर पर जीत की तैयारी भी कर रही है, इसलिए मदेरणा जनता के बीच जाकर जनता से घुलने मिलने की कोशिश भी कर रही हैं। इसी बीच दिव्या मदेरणा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसके चुनाव में खूब चर्चे हो रहे हैं। पहले ये वीडियो दिखा देते हैं, फिर आपको इस वीडियो के पीछे की क्या कहानी है, क्या लगाव है वो भी बताएंगे। इस वीडियो में दिखाई दे रही ये बुजुर्ग, जिनकी उम्र करीब 102 साल बताई जा रही है, और दिव्या से इनकी मुलाकात ग्राम पंचायत बरसोला खुर्द और खिंदा कौर में जनसंपर्क के दौरान हुई। दिव्या की दीवानगी और उनके लिए लोगों के दिलों में कितना प्यार है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये 102 साल के बुजुर्ग फूल माला लेकर उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही दिव्या वहां पहुंची, बुजुर्ग ने उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने इस बुजुर्ग महिला से बातचीत की। बुजुर्ग ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। एक माँ की तरह बुजुर्ग ने दिव्या को आशीर्वाद दिया। उनके हाथ को दिव्या ने पकड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, बुजुर्ग कहती है कि जीत आपकी होगी बेटे। वैसे तो ये कोई पहली बार नहीं है जब बुजुर्गों से दिव्या मदेरणा को इतना प्यार और इतना सम्मान मिला हो। इससे पहले भी दिव्या ने एक वीडियो शेयर किया था जहां एक बुजुर्ग उनका भाषण सुनकर भावुक हो गया था और मंच के सामने बैठकर रोने लगा था। जाते जाते आपको उसी वीडियो के साथ छोड़े चले जाते हैं। नमस्कार। मुझे अगर जीवन में किसी पर भरोसा है, मेरे माता पिता के बाद, तो आप पर है और आप पर है। हमारी फौज का एक एक व्यक्ति कमांडर है, एक एक व्यक्ति कमांडर है, इतना पाऊंगा। जब ये आकलन और सर्वे